नमस्कार, मैं हूं श्वेता ठाकुर। आप देख रहे हैं आज तक बुलेटिन में। अब सबसे पहले बात शाहीन बाग की, जहां पर विरोध के 70वें दिन एक रास्ता तो खुल गया है। जी हां, कालिंदी कुंज से फरीदाबाद जाने वाला रास्ता पुलिस ने खोल दिया है, बैरिकेटिंग भी हटा दी गई है, लेकिन दूसरा रास्ता अभी तक तलाशा नहीं जा सका है। जी हां, यानी कि शाहीन बाग से विरोध खत्म करने का रास्ता, ये रास्ता अब तक नहीं खुला है। आज दोनों वार्ताकार फिर शाहीन बाग जाकर बात करेंगे। शाम 4 बजे के आसपास ये वार्ताकार शाहीन बाग जाएंगे और फिर से कोशिश एक बार की जाएगी आज तीसरे दिन कि कोई रास्ता यहां से इस डेडलॉक का खुल सके। 70 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक यहां पर धरना जारी है। हिमांशु हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हैं हमारे साथ शाहीन बाग से। हिमांशु, एक रास्ता तो खुल गया है, ये कौन सा रास्ता है सबसे पहले ये बताएं, जिससे कि आम लोगों को लगभग थोड़ी बहुत तो राहत मिलेगी, और दूसरा रास्ता कब खुलेगा शाहीन बाग में ये भी जानकारी दें। देखिए, इस वक्त मैं कालिंदी कुंज के उसी रोड पे मौजूद हूँ जो नोएडा से सीधे कालिंदी कुंज को जोड़ता है। ये रास्ता महज कुछ देर के लिए खुला था श्वेता। ये आप जो बैरिकेड देख रही हैं, ये बैरिकेड वापस लगा दिया गया है, और यहाँ से आप देखिए सिर्फ बाइकर्स को ही जो निकलने के लिए रास्ता बचा है। दरअसल जो पुलिस वाला यहाँ पे मौजूद था, हमारी उससे जो बात हुई है, उसका ये कहना था कि एक बस यहाँ पर आई थी जो अचानक से आकर के खराब हो गई थी इस जगह से, और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लगने लगा था। जो लोग आ रहे हैं, जरा उनसे बात करिए, उनसे बात करिए कितनी दिक्कत हो रही है उन्हें। गया था देखिए, ये रास्ता कुछ देर के लिए खुला। आप कहाँ रहते? कहाँ? मैं रहता हूँ दिल्ली में ही, बट ये ऑफिस नोएडा में है, वहाँ से फरीदाबाद जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे वन डे से ये रास्ता बंद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये फरीदाबाद को कनेक्ट करता है और फरीदाबाद दिल्ली को भी कनेक्ट करता है। अगर गाड़ी यहाँ पे बाइक सिर्फ लेके जा सकते हैं, गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं। अगर ये रास्ता खुलता है तो कितनी आसानी होगी आप? दिल्ली के लिए भी आसानी होगी और फरीदाबाद के लिए भी आसानी होगी, और गाड़ी आराम से जा सकती है। और क्या टू व्हीलर्स के लिए अभी भी ये रास्ता खुला हुआ है? 127 में ऑफिस है, रोज आते हैं, इसके चक्कर में डीएनडी में पूरा जाम हो रहा है, एक एक घंटा ट्रैफिक में रहना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए टू व्हीलर्स के लिए ये रास्ता खुला हुआ है, और यहाँ से जो दो टू व्हीलर्स हैं वो निकल रही हैं, जबकि जो कारें हैं, जो सुबह कुछ देर के लिए जब बस खराब हुई थी तो उस दौरान यहाँ से उनको जाने दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से रोक दिया गया। ये रास्ता अचानक से क्या हुआ था, खुल गया था? सर काफी प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है, जाम लग जाता है, इस वजह से कांवड़िया भी, आज शिवरात्रि है, कांवड़िया भी निकल रहे हैं, तो कांवड़िया वगैरह के लिए खुला गया था। आप अधिकारियों से बात कर सकते हो, सीनियर अधिकारियों से। लेकिन अब ये बंद हो गया, ऊपर से कोई आदेश नहीं था रास्ता के? सर मैं कुछ नहीं कह सकता ना इस बारे में, आप अधिकारियों से बात करिए, समझदार हो सर आप। तो देखिए यहाँ पर जो रास्ता, इनका कहना है कि कुछ देर के लिए खोल दिया गया था क्योंकि अचानक से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसके बाद ये रास्ता बंद कर दिया गया है। जो हमारी बात श्वेता आला अधिकारियों से हुई है, उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से कोई इस तरीके की जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में मना किया, और नोएडा पुलिस का कहना है कि थोड़ी देर के लिए यह रास्ता खुला था जो दोबारा फिर से बंद कर दिया गया है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो तमाम कारें हैं वो यहां से डाइवर्ट हो रही हैं, वापस यहां से मोड़ी जा रही हैं, जबकि टू व्हीलर के लिए यह रास्ता खुला हुआ है। श्वेता जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।